हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज कुमड़ा भाजी या कद्दू भाजी दाल। सबसे पहले आप कुमड़ा भाजी को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसको काट लीजिए। ये दाल बनाने के लिए आप आलू, कच्चा केला, परवल, बीन्स और बैंगन को वॉश करके काट लीजिए। अब एक कप मूंग दाल को धोकर उसका पानी निकाल दीजिए। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में आप कुमड़ा भाजी लीजिए, उसमें धुली हुई मूंग दाल डालिए और एक से दो कप पानी डाल दीजिए। अब आप इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दो से तीन सीटी आने तक इसको गैस पे रहने दीजिए। देखिए, दाल और कुमड़ा भाजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप कढ़ाई में डालिए एक से दो चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो जाने पर उसमें आप डालिए आलू, परवल, बैंगन, बीन्स और कच्चे केले और इनको हल्का फ्राई कर लीजिए। अब आप इन फ्राई वेजिटेबल्स को अलग एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में जितना भी तेल बचा हो उसमें थोड़ा सा और सरसों का तेल ऐड कीजिए और उसमें डालिए एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और थोड़ी सी कलौंजी। अब आप इसमें डालिए दो से तीन ग्रेटेड हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। अदरक और मिर्ची का कच्चापन जाने के बाद अब आप उसमें फ्राइड वेजिटेबल्स को डाल दीजिए। अब आप इसमें ऐड कीजिए बॉइल्ड कुमड़ा भाजी और दाल। अब आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको उबलने दीजिए। इस टाइम पे आप इसमें डालिए थोड़ा सा चीनी, इससे टेस्ट इसका और ज़्यादा निखर के आएगा। तो लीजिए, रेडी है मिक्स वेज कुमड़ा दाल की रेसिपी। इसको आप चावल या रोटी दोनों के साथ ही खा सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय।